तालमुद कहती है कि परमात्मा तुमसे ये न पूछेगा कि तुमने कौन कौन सी गलतियां की, गलतियों का वो हिसाब रखता ही नहीं, बड़ा दिल है। परमात्मा तुमसे पूछेगा तुम्हें इतने सुख के अवसर दिए तुमने भोगे क्यों नहीं, गलतियों की कौन फिक्र रखता है। तालमुद कहती है एक ही पाप है जीवन में, और वो है जीवन के अवसरों को बिना भोगे गुजर जाने देना। जब तुम आनंदित हो सकते थे आनंदित ना हुए, जब गीत गा सकते थे गीत ना गाया, सदा कल पर टालते रहे, स्थगित करते रहे। स्थगित करने वाला आदमी जिएगा कब? स्थगित करना ही तुम्हारे जीवन की शैली हो जाती। बच्चे थे तब जवानी पे छोड़ा, जवान हो तब बुढ़ापे पे छोड़ोगे, और बुढ़ापे में लोग हैं वो अगले जन्म पे छोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं परलोक में देखेंगे। बुद्ध कहते थे कल के लिए इकट्ठा भी मत करना, आज जो मिल गया भोजन कर लिया, अगर कुछ बच गया तो बांट देना, कल फिर मांग लेना। रोज रोज जीना, क्षण क्षण जीना, कल का हिसाब मत रखना। भविष्य है कहां, भविष्य में तो सिर्फ मौत है। मौत तुम्हें खाली पाए, मौत जब आए तो तुम्हारे हाथ में कुछ भी ना पाए, तो मौत तुमसे कुछ भी ना छीन सकेगी। मौत जब आए तुम्हें शून्य भाव में पाए, तो तुम अचानक हैरान हो जाओगे कि मौत आई भी और तुम मरे भी नहीं, और तुम्हारे भीतर कुछ अमृत स्वर बजने लगा। अक्सर यही होता है कि मौत जब आती तब हम चिंतित हो जाते, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा। इसलिए हम चूक जाते हैं भीतर के अमृत को देखने से। हम उन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं जो मौत हमसे छीन लेगी। ये पत्नी, ये बेटे, ये धन, ये दौलत, ये सब जा रही, हम इसी में उलझ जाते हैं। हम हिसाब लगाने लगते हैं कि जीवन भर गमाया, इतना कमाया, मौत यूं लिए जा रही। वो जो क्षण भर का मौका मिलता है जब मौत हमसे सब छीनती, अगर उस वक्त हमारे पास कुछ भी ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम मकान में ना रहो, दुकान में ना रहो, अगर उस वक्त तुम्हारे पास ये साफ बोध हो कि अपना यहां कुछ भी नहीं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, मौत क्या खाक छीन लेगी? हमने कभी अपना कुछ बनाया ही नहीं, तो मौत क्या छीन लेगी? हम अकेले आए अकेले जाते, ऐसी भाव दशा हो तो जब मौत तुमसे छीनने की कोशिश करेगी, तब तुम्हारी सारी दृष्टि अपने भीतर के अमृत पर पड़ेगी। मौत शरीर छीन लेगी, मौत और क्या छीन सकती, लेकिन तुम शरीर तो नहीं हो। उस घड़ी अगर संसार का प्रपंच तुम्हारे मन में ना रहा, मन शांत रहा, तो तुम अमृत के दर्शन को उपलब्ध हो जाओगे, तो मौत फिर मोक्ष बन जाती। जीने की भी एक कला है और मरने की भी एक कला है, न तो लोग जीते ठीक से न लोग मरते ठीक से।